हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं मुकेश अंबानी हाउस गणपति विसर्जन 2024। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और हमने ये अंबानी के घर में जब सारे ये एक्टर्स को बुला के उन्होंने सेलिब्रेशन की थी गणपति की, वो भी देखी है, तो वो भी देख लेना। तीनों चैनल में से किसी एक चैनल में होगी। तो चलो अब देखते हैं, मजे करते हैं। ओए होए, ओ ये मुकेश अंबानी ने खुद ये जो किया है। ओ ये किसी बोटे बैठे कहाँ बैठे हैं? गाड़ी जैसे होती है, गाड़ी गाड़ी लगी है मुझे तो। मतलब उनके जब विसर्जन, ओ ये नीचे भी हैं, बाहर आ गए अपने घर से। ओ ये था उनके वहां पे, ये उनका अपना, हाँ जो ये गणपति जो अंदर रखे होंगे ना भगवान जी। Hey guys, welcome back to another video. तो आज हम जाने वाले मुकेश अंबानी के घर के, वही लग रहा पिक्चर वाला जिसमें लाइटें लगी हुई हैं। गणपति का जो आगमन था, तो आज wow. गणपति का उनका विसर्जन, जो डेढ़ दिन के गणपति हम लोग बैठाते हैं। और काफी ज्यादा एंजॉय मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे एंड देखते रहे। तो चलो अभी जाते हैं गणपति बप्पा मोरिया। चलो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर अभी गाड़ी सब रेडी। देखा मैं कह रही थी, यही लग रहा मुझे। धीरे धीरे अभी आधे घंटे में गाड़ी अंबानी का घर विसर्जन होना चालू हो जाएगा, मतलब निकल जाएगी घर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर सब वीआईपी गाड़ी रेडी हो चुकी है। कहाँ है घर? और ये रेंज रोवर पुलिस जा रहे अंदर। और क्या सुंदर पूरा वो सड़क को किया हुआ है, लग रहा है गणपति जाने वाले है वो यही। ओ, ये देखा ट्रक, यहाँ पर ट्रक पूरा रेडी हो चुका है। ये ट्रक आने से एक घंटे में गणपति निकल जाएगी। और आपको अभी आगे का प्रोसीजर, और आज भी घर कौन सा है, भोजन का लाभ उठा रहे लोग, तो कौन सा है बिल्डिंग, देख सकते हैं कि आज भी लाइन लगी हुई है। तो आपको लाइन लगी हुई है आगे, किस चीज की, किस तरह का भोजन है शायद मैं नहीं, भोजन भी है, कोई गया है तो आपको दिखाता हूँ मैं। One hour later. और ये ट्रक सजा दिया उन्होंने। ये अंबानी का घर, वो जो गेट हमें दिख रहा था ना अंदर से फोटो जब ले रहे थे, अरे वाह बहुत ही सुंदर है। This is beautiful यार। और अभी गणपति का जो ट्रक था जो विसर्जन के लिए जो ट्रक सजाया, ये सड़कों पे किया हुआ इन्होंने पूरा डेकोरेट, सड़क है। देर में गणपति बाहर आएगी और आपको बाहर का लुक, ये पूरा सड़क को के दोनों तरफ किया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना भीड़ हो चुका है। अंबानी का घर कौन सा है? ये ये घर है, यहाँ पर लोग खड़े हो, नहीं ये तो सड़क है, आजू बाजू रोड के जो भी घर, कौन सा है ये वाला होगा, ये घर होगा शायद, ऑरेंज कपड़े ये सब। हाँ देखा ये सारे ये खड़े हैं ना, ये घर है। और इसमें ये वो गेट है जहाँ से लोग मीडिया वाले फोटो ले रहे हैं। और मूर्ति यहाँ से निकली, ये वाले गेट, ये देखा ये गेट है, मैं बोल रही थी ये जो ट्रक के ऊपर आदमी बैठा हुआ है, और कुछ ही देर में गणपति यहाँ पर आ जाएगी। और ये है इंटीरियर हाउस, आप देख सकते हैं उसको भी पूरा सजाया गया है, और ऊपर पूरी रेड लाइट की वजह से और चमक बढ़ गई है। आप कितना ऊंचा है देख सकते हैं, इसी में मुकेश अंबानी जी रहते हैं और उनके पूरे फैमिली इसी घर में रहते, पूरी फैमिली के दो बेटे हैं और खुद है उसके लिए इतना फ्लोर। अरे वाह कैसे करते हैं ये, आज पहली बार ही देखी अंबानी का। नाइस, पूरा फुल फ्लेज सेलिब्रेशन है, हर साल ऐसे करते होंगे जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो आते हैं उनको बुलाया, तो पेरोल पे होंगे इवेंट ऑर्गेनाइजर का काम है। हाँ वो तो है, पर अच्छा है ना, और लोग भी आके देख सकते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे ऐसे लग रहा है, मछुआरों का किया है। अपने ट्रेडिशंस तो नहीं भूले, बड़े वेस्टर्नाइज होने चले जाते हैं ना लोग, वो तो नहीं किया, ये महाराष्ट्र लग रहा है। ओ खुल गया यही गेट था, वो अच्छा अंदर लेके गए थे ये ट्रक को, इतना बड़ा ट्रक था अंदर चला गया, बैठ के वो लोग आएंगे। वाह, अगले साल भी आए हुए थे इसके ऊपर
परी और आनंद अंबानी भी आ चुके रहेंगे इसके ऊपर, और देख सकते हैं और लोग अंदर ही। इतना बड़ा घर है कि इतना बड़ा ट्रक अंदर घुस गया, मैं तो ये देख रही हूँ। बिल्डिंग बिल्डिंग होटल टाइप होगा उतना बड़ा सा है। अरे वाह, पूरा फूलों से भरा पड़ा है, ढक दिया पूरा। ये क्या दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, क्या फेंका है, दे क्या रहे हैं। ओ एक गिर भी गया, व्हाट इज इट प्रसाद, इतने लोग हैं दे रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। मिसेस अंबानी है और वो उनका बेटा है, हाँ छोटा वाला, और कौन है, पर डेंजरस ही है ऐसे ओपन में फिर भी। नहीं सेफ है, पता नहीं। हाय गणेश जी कितने सुंदर, फेंक क्या रहे हैं, गोल्ड कॉइन तो नहीं है कि चांदी का कॉइन, पैकेट से पैकेट में कुछ तो है ना, वही तो पूछ रहे क्या है। प्रसाद नहीं हो सकता, यू कैन थ्रो प्रसाद लाइक दिस, प्रसाद को तो कोई ऐसे नहीं फेंकेगा। बहुत सीढ़ियों पे भी बैठे हैं सब, क्या कह रहे हैं। अच्छा वो चढ़ चढ़ाने के लिए गणेश जी को कुछ चुन्नी या कुछ नहीं पहुंचे, अभी बोला दे दो फिर कह रहे हैं नहीं पा रहे हैं। ये सारे सारे साथ में लोग भी जा रहे हैं, बड़ा कमाल किया, चलकर वैसे बनाना वीडियो अमेजिंग, अच्छा अच्छा बना है। मैं पहली बार ये देख रही हूँ, इनके बनाने की वजह से मुझे देख कर मिल गए और आप लोगों ने भेज भी दिया कि देखने के लिए। अब देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, मैं पहली बार ही देख रही हूँ कि इतना ओ हो। ये इनके सारे जो इस दिन उस वीडियो में देख रहे थे ना, सारे ऑरेंज वाले वो हैं इनके सिक्योरिटी है। छोटा बेटा कहाँ गया, हाँ वो रहा, पर बहू नहीं है और बड़ा बेटा भी नहीं है, उसकी दूसरी भी बहू नहीं है, सिर्फ ये दोनों आए हैं। नाइस, अच्छा ट्रैफिक ही जाम हो गया ये तो, सब लोग अच्छा ये उधर वो जा रहे गणपति के साथ ही साथ, और पूरा पीछे रोड है, पूरा ट्रैफिक जाम ही हो गया भाई को। कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, नेता अंबानी इस गाड़ी में आते हैं रोज रोज, अब वो गाड़ी में बैठ गई है और गाड़ी नंबर भी 459 है, रॉयल क्रॉस, गाड़ी में क्यों बैठ गई, ट्रक कहाँ गया, हो गया होगा कार्य कहीं, हो गया क्या। अभी नीता अंबानी आगे गई है घर पे, फिर लास्ट में विसर्जन जब होगा तब उस टाइम पे आएगी, अभी ज्यादा क्राउड ओवर हो गया इसीलिए वो जा रहे घर पे बस, वो विसर्जन के लिए गाड़ी जब चली जाएगी वहाँ पहुँचेगी फिर ये वहाँ से आएंगे, क्योंकि बहुत क्राउड हो गया, भीड़ ज्यादा हो गई है इसलिए सिक्योरिटी की वजह से घर वापस चली गई। भीड़ तो है ही कितनी, बाप रे, बेटा नहीं गया शायद, बेटा होगा अंदर, बाय गॉड। बेटा भी नहीं है, है बेटा निकल से दोनों चले गए, अब इकट्ठे आएंगे, इधर से पहुंच गए, क्या विसर्जन करना होगा। हाँ देखा आ गए,
विसर्जन के लिए सिक्योरिटी भी बेटा भी लग रहा है। कहाँ है, कौन सा दूसरा बेटा? हाँ सब आ गए हैं, ये छोटी की, छोटे की बहू है। हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये राधिका है। नहीं वो लड़का, मुझे लगा बड़ा बेटा, नहीं वो नहीं। हाँ ये तो हो रही, बड़ा बेटा नहीं दिख रहा, पूरा होली टाइप होता है रंगों से। कमाल है यार। डांस डूम सब हो रहा है, ढोल बज रहे हैं। ये कौन है? ये वो तो नहीं है रणवीर सिंह? वैसा ही लग रहा है, नहीं है तो कोई और शक्ल से, तो कोई और लग रहा है, कोई और ही है, हेयर स्टाइल वैसा ही है। वाह वही लग रहा है रणवीर सिंह। नहीं रणवीर सिंह नहीं है, बताओ रणवीर सिंह है? नहीं शक्ल से तो नहीं है, हेयर स्टाइल उस स्टाइल से वही लग रहा है, डुप्लीकेट होगा। हाँ डुप्लीकेट है। कंट्रोल रूम बहुत ही सुंदर है। मैं तो नहीं विसर्जन कर सकती भैया, मेरा में मत नहीं है। इसको भी करते हैं है? इस पूरे को भी करेंगे, ट्रक को? ऐसे तो ट्रक पानी में क्यों जा रहा है? ट्रक को नहीं करेंगे। किसको? विसर्जन को। गणेश जी तो उसमें नहीं है, कहाँ है गणेश जी उसमें? गणेश जी कहाँ है? वो तो उठा ली उन्होंने, यहाँ से हटाया होंगे ना। कह रहे हैं आगे जाना अलाउड ही नहीं है। सिक्योरिटी खाली, कोई टाइम जाएगा ज़्यादा, डेढ़ बज जाएगी, लास्ट पे हमको मिलेगी नहीं, हमको घर पे जाना है। तो यहाँ तक कि मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ जितना हो सके, और अच्छी लगी रहेगी तो वेरी नाइस, नीचे कमेंट में बता देना कैसी लगी आपको वीडियो, मज़ा आ गया। और ऐसे ही तड़कते बड़कते वीडियो आते रहेगी इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है तो लाइक बटन जरूर मारना। तो ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं, चलो गणपति जाते हैं। कमाल था यार, थैंक यू आप लोगों को भी और इनको भी जिन्होंने इतना अच्छा वीडियो पूरा मेहनत करके बनाया, पहली बारी मैंने देखा है। नहीं तो मुझे लगता था कि बस वो फंक्शन जैसे सब जो है एक्टर्स को बुला के बस वो होता है, पूजा वूजा होती होगी, उसके बाद विसर्जन भी होता है और इस तरह से ग्रैंड स्केल में करते हैं, ये मैंने आज पहली बार देखा है। बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। हाँ नहीं भगवान जी के फेस्टिवल्स के लिए, हाँ उसमें तो बनता है करना, और खुशी भी मिलती है देखने में, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, कमाल का था, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, इवन सड़क पर भी पूरी वो जिस तरह से डेकोरेशन की थी बहुत ही सुंदर, सबको मेरे ख्याल से फूड भी मिला था, ऐसा कुछ लग रहा। हाँ ऐसे लग रहा है कि लोगों के लिए जो आए हुए थे उनके लिए कहीं खाने का भी इंतजाम किया गया था, ऐसे लग रहा था। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।